Anokhe Rang, Ek Ranga Rang Karikram, that is a household name. The host, the writer, and the magical mind behind Anokhe Rang is quite an artist himself. His good name, Dr. Krishan Chhabra. Dr. Chhabra, a fine gentleman. Let's see his take for this week. Hello, I'm Dr. Krishan Chhabra and welcome to Anokhe Rang. आज का विषय है आधे की महिमा. आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा अजीब विषय है. असल में इसके पीछे कुछ हिस्ट्री है जो मैं आपको बताना चाहूँगा. एक दिन मैं दोस्तों की एक गेट टुगेदर में गया था. जैसा अक्सर होता है, होस्ट ने स्नैक्स और ड्रिंक्स सर्व किए. हम लोग बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे. होस्ट थोड़ी थोड़ी देर के बाद आता और देखता कि किसी को और ड्रिंक तो नहीं चाहिए. तो एक बार उसने देखा कि एक दोस्त का बियर का ग्लास खाली हो गया है. उसने दोस्त से पूछा कि बियर की एक और बोतल ले आऊं. दोस्त थोड़ा हिचकिचाया और बोला कि पूरी तो नहीं, आधी बियर की बोतल ले लूँगा. होस्ट का चेहरा एकदम गंभीर हो गया और उसने कहा, मुझे ये आधे वाले लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते. आधा प्रॉमिस करना, आधे दिल से काम करना, काम को अधूरा छोड़ देना, आधी पकी रोटी बनाना, ये बात ठीक नहीं है. ज़रा सोचिए कि आपका कोई जान पहचान वाला नी सर्जरी के लिए अस्पताल में जाता है. आप वेटिंग रूम में इंतज़ार कर रहे हैं. कुछ समय के बाद डॉक्टर आता है और आपसे कहता है कि उसने आधी नी की सर्जरी कर दी है, आप इन्हें घर ले जाइए. अब आप ही बताइए, अगर ऐसा हो तो कितना गलत होगा. मैंने कुछ सोचा और होश से कहा कि आपकी बात मैं समझता हूँ, लेकिन आधे का भी कुछ स्थान है. देखिए, आधे के बिना पूरा नहीं हो सकता. जब आप बियर ग्लास में डालते हैं तो पहले ग्लास आधा भरता है, फिर ग्लास पूरा भरता है. और अगर आप ही की मिसाल लें तो आधी जली रोटी पूरी जली रोटी से अच्छी है. आधी आँख में मोतिया पूरी आँख में मोतिये से कहीं अच्छा है. और देखिए कि हमारे शास्त्रों के हिसाब से पत्नी को वैवाहिक जीवन के आधार पर अर्धांगिनी कहा जाता है. अर्धांगिनी अर्थात आधे अंग वाली. तो अगर उसे पूरी यानी पूर्णांगिनी कहा जाए तो पति का अस्तित्व बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये बात किसी भी पति को स्वीकार नहीं होगी. और इंग्लिश में तो पत्नी को बेटर हाफ कहा जाता है. यदि उसे बेटर फुल कहने लगे तो पति का अस्तित्व तो नेगेटिव में चला जाएगा. भाई साहब, ये तो बिल्कुल ही नामंजूर है. और यदि आप आर्ट के विचार से सोचें तो शायरी, पोएट्री और हमारी पुरानी हिंदी मूवीज़ में भी आधे का बहुत महत्व है. शायद आपको 1958 की मूवी नवरंग का आधे आधे वाला गाना याद होगा. आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी. आधा है चंद्रमा. तो होस्ट ने मुझसे कहा कि आपने आर्ग्यूमेंट्स भी दी और गाने के कुछ शब्द भी सुनाए, पर फिर भी मैं आपसे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ. मेरे मुंह से अचानक निकल गया तो शायद आप आधे तो सहमत हो गए होंगे. होस्ट के चेहरे से मैं समझ गया कि उनको मेरी बात अच्छी नहीं लगी. तो मैंने कहा, देखिए एक बात और है. यदि आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सोचें तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव. अर्थात माता, पिता और गुरु, उसके पश्चात अतिथि को भी भगवान का रूप समझना चाहिए. इसलिए मेहमान का अच्छी तरह से सत्कार करना बहुत ज़रूरी है. भगवान आपको लंबी उम्र दे, लेकिन एक दिन तो सबने इस दुनिया से जाना है. थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन कीजिए कि आप धर्मराज के सामने खड़े हैं और वह आपका बही खाता खोल कर देख रहे हैं. मान लीजिए कि आपने जीवन में बहुत ही अच्छे काम किए हैं. अब धर्मराज क्या फैसला लेंगे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे दिल में एक डर है
कि कहीं धर्मराज ये ना कहें कि आपने जीवन में इतने अच्छे काम किए हैं, लेकिन एक मेहमान की आधी बियर की रिक्वेस्ट आपने स्वीकार नहीं की। भाई साहब, कहीं ये छोटी सी बात धर्मराज को दुविधा में ना डाल दे कि क्या आपको स्वर्ग के स्थान पर नरक में भेजा जाए। होस्ट का चेहरा पहले तो कुछ गंभीर हुआ, पर फिर वह मुस्कराए और हमारे दोस्त से बोले, आधी बियर के पीछे स्वर्ग को खो देना बहुत भारी गलती होगी। भाई साहब, अगर आप आधी तो क्या, आधी की आधी बियर भी लेना चाहें तो उसे सर्व करने में मेरा अहोभाग्य होगा। नमस्कार।